अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। मैं हूँ आपका दोस्त भीषण और मेरे साथ है सूरज। सूरज, सुबह क्या सीन है व्लॉग बनाने का? सबको अस्सलामुअलैकुम। भीषण भाई अभी बाकायदा अपना काम स्टार्ट करने वाले हैं व्लॉगिंग के हवाले से। तो कल से ये जो है टास्क दिया गया है भीषण को, हर रोज़ ये व्लॉग बनाएंगे, हैदराबाद की सैर कराएंगे आपको। इस चैनल पर जुड़े रहिएगा, कल से इंशाल्लाह हैदराबाद देखेंगे, पूरा हैदराबाद देखेंगे। और आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। आपने बात की, आपको ये मैं गिफ्ट करता हूँ, ये मुझे गिफ्ट मिली है और इस गिफ्ट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये मैंने पता है कहाँ से चोरी की? अच्छा, कहाँ से? रानी बाग से चोरी की थी, दो दिन लगाया फिर बस्ट हो गया। अब सिर्फ और ये बंदा मेरे साथ था। तुम साथ थे? नहीं, मैं नहीं साथ था। तुम साथ थे? नहीं, मैं चोरों का साथ नहीं देता। अच्छा भाई, तू चोर क्यों बोल रहा है भाई को? नहीं, चोर नहीं, असल में बैक द कैमरा मुझे कह रहा है कि हाँ मैं साथ था, लेकिन कैमरा से पता नहीं क्यों घबरा रहा है भाई। इसकी कमीज नहीं पहनी हुई इसलिए। लेकिन माशाल्लाह से बॉडी बना दी है, अब दिखाना चाहिए ऑडियंस को कि यार बाकी बॉडी वॉडी बना दी। हाँ भाई, इसके सिक्स पैक देखो वाला। सिक्स पैक, सेवन पैक अप हुआ विषय में। इंशाल्लाह सुबह से काम स्टार्ट करेंगे सूरज भाई। ऐसा भी बना, YouTube पे अपलोड करते हैं। अपलोड करेंगे, बंदे खुद ही आएंगे हमें देखने के लिए। इंशाल्लाह इतना अच्छा व्लॉग बनाएंगे। ठीक है, तो गाइस मैं रेडी हो गया हूँ, बस सूरज के इंतज़ार में। रात वो मेरे पास फ्लिप पे आया था और उन्होंने बोला था सुबह चलेंगे कहीं घूमने, तो मैं वेट ही कर रहा हूँ। मैं अभी अपने फ्लैट की गैलरी में ही बैठा हूँ और आपको बाहर का कुछ सीन दिखाता हूँ। हाँ भाई, धूप बहुत कम है। कितना ही, ये जो सामने वाला फ्लैट है, ये ठंडी सड़क। ठंडी सड़क इसलिए बोला जाता है, यहीं पे पौधे बहुत लगे हुए हैं और इसकी वजह से ठंडी रहती है। हाँ, हवाएं भी बहुत अच्छी लगती है। सूरज रहता है वो सामने वाला प्लाजा है फ्लैट, उसमें रहता है। बस मैंने अभी कॉल किया, वो बोल रहा है मैं आ रहा हूँ। और अभी हमें देखना है सूरज को, सूरज कहाँ है। ये भाई हैदराबाद है, भीड़ बहुत रहती है गाड़ियों की और आवाज़ वो खड़ा है का गन्ने वाले जूस के पास। ये सूरज चल लेके आयो भाई, मेहरबानी। सो गाइस, सूरज तो आ गया है। हम न्याज स्टेडियम के ग्राउंड के बाहर जो रोड जा रहा है और उस पर पार्क में बैठे हुए हैं। सो आज बात ये है कि कुछ कचहरी करते हैं सूरज से हाल अहवाल। बहुत दिनों के बाद हैदराबाद आए, यूनिवर्सिटी भी बंद थी कोविड की वजह से। सूरज वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, हुकम। और बताए कैसे हालात है हैदराबाद के? भाई हम तो बहुत दिनों के बाद आए हैं भाई, आपको हम जो है याद करते थे, आप हमेशा न होते हुए भी हमारे साथ थे। हैदराबाद के हालात की आपने बात की तो हालात अच्छे हैं यहाँ पे। बारिश जो है थर में काफ़ी हुई है हमारे गांव में, लेकिन यहाँ पे इतनी वो बारिश नहीं हुई। गर्मी का ज़ोर अलबत्ता आज टूटा है क्योंकि हवा जो है चल पड़ी है, तो काफ़ी अच्छा माहौल है आज। और आज मैं वेदर चेक कर रहा था तो बरसात का इम्कान है, दो तीन दिन के अंदर ही है। और थर में तो अभी भी बारिश चल रही है बहुत अच्छी, और थर अभी कश्मीर लग रहा है। सूरज, अच्छा, मुझे ये पूछना था आपसे, माशाल्लाह से आप थर में ही रहते हैं अभी मिट्टी में, क्योंकि मेरा तो आना बड़ा कम होता है। थर में जो है हम देखते हैं हर साल जो आवाम आती है घूमने के लिहाज से, हम जो थरवासी हैं वो क्या फ़ायदा उठा सकते हैं इस खूबसूरती का, इस नज़ारों का, जो हम आपने जैसे पहले ही उसके बारे में बताया, तो हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं बिज़नेस के हवाले से? हाँ, हम फ़ायदा बिज़नेस के ही हवाले से उठा सकते हैं और इसमें कोई इतनी बड़ी सी दिमाग की ज़रूरत नहीं होती है, बस टेक्निक की ज़रूरत होती है। और टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए जो हमारे पास विज़िटर आते हैं, घूमने आते हैं, जो हमसे अशिया ख़रीदते हैं, जो उसको अवेलेबल होनी चाहिए। हमारे पास इस बार इतना बिजनेस नहीं हुआ है जो पिछले कुछ ढाइयों से सालों से। जो बारिश कैसे हुई है इस बार? अच्छी बहुत, हुई है, बहुत बहुत अच्छी हुई है बारिश तो, माशाल्लाह।
तो क्या बाद में हुई है ये बात है आपकी कि टाइम पे नहीं हुई? टाइम पे नहीं हुई और वेकेशन भी थी, 14 अगस्त भी गुजर गया, जो 14 अगस्त का हमारे थर में जो विजिटर आते हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। अच्छा, मैंने बाद का देखा है कि आप जब भी कोई फ़कीर आता है आपके पास तो आप देते नहीं बल्कि लेते हैं, क्या मिट्टी में भी यही करते हैं आप? यार देखो, फ़कीरों से तंग आ जाते हैं, फिर उसको देने से दिल नहीं कहता, फिर ले लेता हूँ। कुछ तो करना चाहिए, उससे लेकर कुछ अच्छी चीज़ लेता हूँ, अच्छी चीज़ लेता हूँ और बांटता हूँ। चाचा अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पीछे चाचा आए हैं और माशाल्लाह से दुलारी है, अगर हमें कुछ बजा के दिखाते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चाचा इन पास ही कहाँ चो असलामकुम चो सब वो वो चाचा वो चो। ये हमारे साथ चाचा हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या कारोबार रहा है इस लॉकडाउन में, कितना अच्छा जो है ये लॉकडाउन गुजरा है या ख़राब गुजरा है। चाचा इस बार शादियाँ वादियाँ कम हुई है? बाबा शादी वानी कौन हो, शादी वानी कौन ना, इंजर दौर में असाई मजबूरी थी भैया, माना असाज मुसीबत थी भैया, गरीब महंगाई घड़ी थी भैया, बेरोजगारी थी भैया, अगे अस पिनता को हिंसर अस पिनू पा असाज माना तमाम इमरान खान की बादशाही में एडी महंगाई थी वही है, माना रुपये जो माना इतना को मिले तो बचा पारे सकूँ। इमरान खान की गाल कही थी वोट कें दींदा हो? सही वोट अस पीपल्स पार्टी के दिना वो पीपल्स पार्टी तक माना कुछ दींदी तो इन हिसाब से पैं जैसे अस मायू अस घरवारी हयाती हुई जी जी, माना 6 महीने का माना 12,000 मुझी घरवारी के मिलता बेनजीर साहब तरफ उन्हें पैसा हाँ को मिलन। अच्छा, मुझे घरवारी गुजार वही देख रहे हैं। सूरज ने एक फकीर से कचेरी कर ली है। सूरज चाचे से क्या पूछ रहे हो? भाई इंटरव्यू ले रहे थे हम चाचा के, माशाल्लाह से अच्छे दुलारी हैं चाचा, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा परेशान है तो हम चाहते थे कि शेयर करें आपके साथ। ऐसे बहुत हैं हमारे यहाँ जो कि परेशान हो चुके हैं लॉकडाउन की वजह से, तो हम इजहार यकजहती कर रहे हैं। और चाचा ने सिगरेट दुखा दी है और सिगरेट का मज़ा लेने तो चाचे को शेर सुना। शेर इसलिए मुझे याद आया क्योंकि चाचे के हाथ में हमने सिगरेट देखी, तो हम ये नहीं कह सकते कि सिगरेट चाचा न पिए, क्योंकि जब आग लगी हो सीने में तो क्या हर्ज है सिगरेट पीने में। वाह 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 वाह, मुझे देख देख कर भी शायर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरा भाई। सूरज ने फरमाश किए चाचे से कि ढोल बजा के दिखाओ। और ये ठंडी सड़क, रात का वक्त, इंडस होटल, पिज्जा आर्ट, मैक्स बचत। हम फ्लैट पे पहुंच चुके हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं नेक्स्ट व्लॉग के लिए, और मैं अभी व्लॉग बनाऊंगा और रेगुलरली अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू। सुबह चलेंगे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का सीन क्या है वो भी आपको दिखाएंगे।